जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का दुर्लभ कश्यपुर, राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर का कोलिस राजपूत के बारे में। दोनों का कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और दोनों की कहानी को इसलिए मैं आज सुना रहा हूं क्योंकि दोनों ने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और बहुत कम समय में दोनों मशहूर भी हो गया, जितना कि इन लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा उससे भी ज़्यादा आज के समय में ये लोग मशहूर है। दरअसल बता दूं कि आज के समय में ज़्यादातर कहानी आप लोगों को उसी लोगों का सुनने को मिलता होगा जो कि बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। दरअसल आज का ये वीडियो मैं किसी भी अपराधी के मन को बढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही मैं कभी अपराधियों का समर्थन करता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, कहानी बड़ा ही जबरदस्त है। तो चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बता दूं कि दुर्लभ कश्यप ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। और यदि बात करा जाए कोलिस राजपूत के बारे में तो कोलिस राजपूत के बारे में भी बताया जाता है कि ये मात्र 15 से 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आपको बता दूं कि कोलिस राजपूत के माता पिता नहीं थे, जिस वजह से कोलिस राजपूत जो कि बचपन से ही बिल्कुल आज़ाद था, कोई कहने वाला नहीं था कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन बताया जाता है कि कोलिस राजपूत भी चाहता था कि वो कोई सरकारी नौकरी करे, लेकिन कहानी ऐसा नहीं रहा जैसा वो सोचता था, कहानी बिल्कुल उसके ज़िंदगी का बदल ही गया। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। दुर्लभ कश्यप के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि बेटा किसी भी तरह से गैंगस्टर बन जाए। अब कौन माता पिता चाहेगा कि बेटा गैंगस्टर बन जाए, लेकिन अब तो मर्जी तो बेटा का ही ना चलता है। अब देखो दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है कि वो जब स्कूल के दिनों में पढ़ने के लिए जाता था तो उसके स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो कि उसको परेशान किया करता था। तभी दुर्लभ कश्यप ने सोचा कि जो लोग मुझे परेशान कर रहा है अब उसके ज़िंदगी को हम तबाह करके छोड़ देंगे। और तभी दुर्लभ कश्यप ने अपना एक गैंग बना लिया, जिस गैंग के माध्यम से इसने उन लड़कों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। वहीं से दुर्लभ कश्यप का कहानी शुरू हो गया। अब बात करते हैं कोलिस राजपूत के बारे में। कोलिस राजपूत भी जब पढ़ने के लिए स्कूल जाता था तो स्कूल में कुछ ऐसे लड़कों से उसका दोस्ती हो जाता है जो लड़के की दबंग थे। तो बताया जाता है कि कोलिस राजपूत भी उन लड़कों के साथ रह करके ये भी दबंगई वाला काम करना शुरू कर दिया। और बताया जाता है कि कोलिस राजपूत जो कि लूटपाट करता था, लोगों को डराता धमकाता था, और यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को धमकाता था तो ये उसका शिकायत लेकर के उस आदमी का इलाज करता था। तो कोलिस राजपूत का कुछ इस तरह से कहानी शुरू होता है। अब आगे बात करते हैं कि कोलिस राजपूत क्या क्या करता है और आज के समय में कोलिस राजपूत के बारे में क्या चर्चा है। बता दें कि कोलिस राजपूत जब उन दबंग लड़कों के साथ दोस्ती करता है तो उसके बाद कोलिस राजपूत भी उनके साथ शामिल हो जाता है। और बताया जाता है कि कोलिस राजपूत अपना एक गैंग का स्थापना करता है जिस गैंग का नाम रखता है बिच्छू गैंग। बताया जाता है कि कोलिस राजपूत जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी एक्टिव था। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। दुर्लभ कश्यप भी आज के समय में इतना ज़्यादा फेमस है तो उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। चूँकि दुर्लभ कश्यप ने मात्र 16 साल की उम्र में ही फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। और यदि बात करें कोलिस राजपूत के बारे में तो कोलिस राजपूत के बारे में भी बताया जाता है कि उसने बिच्छू गैंग के नाम से एक फेसबुक पर अपना पेज बनाया, जिस पेज के माध्यम से वो अपना गैंग को हैंडल कर रहा था। बताया जाता है कि दिन ब दिन कोलिस राजपूत से लड़के जुड़ते जा रहे थे और दिन ब दिन कोलिस राजपूत फेमस भी होता जा रहा था। और यदि बात करें दुर्लभ कश्यप के बारे में तो दुर्लभ कश्यप का भी कहानी ऐसा ही है। ये भी फेसबुक पर अपना पेज बना रखा था और उस पेज के माध्यम से ये खुद को काफ़ी हाईलाइट कर रहा था। दिन ब दिन दुर्लभ कश्यप इतना ज़्यादा फेमस हो रहा था कि भारत के अलग अलग शहरों से लड़के उससे जुड़ रहे थे और दिन ब दिन दुर्लभ कश्यप का चर्चा बढ़ता ही चला गया। अब बात करते हैं कि दुर्लभ कश्यप का जिंदगी कैसा रहा। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और जब वो 20 साल का हुआ तब इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। अब बात करते हैं कोलिस राजपूत के बारे में। कोलिस राजपूत के बारे में बताया जाता है कि वो हाईवे पर लड़कों के साथ मिलकर के लूटपाट करता था और दिन ब दिन कोलिस राजपूत के पास रुपया आना शुरू हो गया। जैसे जैसे कोलिस राजपूत के पास रुपया आना शुरू हुआ वैसे वैसे कोलिस राजपूत का मन भी बढ़ता चला गया। कहा जाता है ना कि जब रुपया आता है तो आदमी का बुद्धि खुलने लगता है, तो ठीक उसी तरह से कोलिस राजपूत के साथ भी हुआ। कोलिस राजपूत के पास रुपया आना शुरू हो गया, कोलिस राजपूत का मन बढ़ना शुरू हो गया और दिन ब दिन इसके गैंग में लड़कों का संख्या भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन कोलिस राजपूत बाद में कहा जाता है कि उसने शराब का तस्करी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से एक बार वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, पुलिस वाले उसे जेल लेकर गए। लेकिन बताया जाता है कि पुलिस वाले जब एक बार उसे पेशी पर ले जा रहे थे उसी वक्त बताया जाता है कि उसने पुलिस वालों को जहरीली मिठाई खिला करके उन लोगों को बेहोश कर दिया और वैन से भाग गया। बताया जाता है कि पुलिस वालों के ऊपर कोलिस राजपूत के गैंग के लड़कों ने फायरिंग भी करा
और उसके बाद पुलिस राजपूत जो कि भागने में कामयाब रहा। बताया जाता है कि पुलिस राजपूत जब भागा तो उसके बाद पुलिस वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि पुलिस राजपूत जो कि पुलिस वालों के पास से भागने के बाद आपराधिक काम करना और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो दिन ब दिन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और दिन ब दिन उसने पुलिस के नाकों में भी दम करना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि करना क्या चाहिए, तो पुनः पुलिस राजपूत को गिरफ्तार किया गया और पुनः वो जेल गया। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। दुर्लभ कश्यप भी जब उज्जैन शहर में तबाही मचाना शुरू करा तो दुर्लभ कश्यप के बारे में भी पुलिस वालों को भनक लग ही गया और बाद में बताया जाता है कि उज्जैन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। बता दूं कि दुर्लभ कश्यप जब उज्जैन जेल गया था उसी वक्त उसका मुलाकात शाहनवाज खान से भी हुआ था। अब शाहनवाज खान के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बता दें कि पुलिस राजपूत जब जेल से बाहर आया तो उसके बाद उसने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ छेड़खानी करा और वहीं से पुलिस राजपूत का उल्टा गिनती शुरू हो गया। बताया जाता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मंदिर से पूजा करके आ रहा था और वो व्यक्ति बाइक पर सवार था, तो बताया जाता है कि पुलिस राजपूत उस व्यक्ति को रोक करके उसे पीटना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि उस व्यक्ति के दो पोते भी उसके साथ थे, तभी उसके पोतों ने सोच लिया कि मैं दादाजी का बदला तो लेकर रहूंगा। बता दूं कि पुलिस राजपूत को बताया जाता है कि दो नाबालिग लड़कों ने मिलकर मार दिया। बताया जाता है कि पुलिस राजपूत के ऊपर फायरिंग करा गया और बताया जाता है कि पुलिस राजपूत को 6 गोली लगा, जिस वजह से पुलिस राजपूत ने दम तोड़ दिया था। देखो वैसे पुलिस राजपूत के बहुत सारे दुश्मन थे। अब बता दूं कि पुलिस राजपूत के इतने सारे दुश्मन थे जिसके बारे में पुलिस राजपूत को भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उन दो लड़कों के मन में जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि पुलिस राजपूत का इतना सारा दुश्मन है और यदि हम दोनों मिलकर के टपका देते हैं और यदि हम दोनों मिलकर के अपने दादाजी का बदला लेने में अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो कितना मजा आएगा। तो उन दोनों लड़कों ने दिमाग लगा लिया कि पुलिस राजपूत को टपकाना है और अंततः दोनों नाबालिग लड़कों ने मिलकर के पुलिस राजपूत को टपका ही दिया। अब बात करते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप से शाहनवाज खान का मुलाकात स्कूल के दिनों में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जो खास मुलाकात हुआ था जिस मुलाकात के कारण दुर्लभ कश्यप का उल्टा गिनती शुरू हुआ था वो मुलाकात हुआ था जेल में। उसे उल्टा गिनती नहीं कहा जा सकता है, दुर्लभ कश्यप के साथ शाहनवाज खान ने जो करा था वो एक तरह का छल था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप को मारना शाहनवाज खान के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन दुर्लभ कश्यप का जो मौत हुआ वो जो कि पुलिस राजपूत के मौत से बिल्कुल अलग है। पुलिस राजपूत का तो मौत इसलिए हुआ क्योंकि दो नाबालिग लड़कों को अपने दादाजी का बदला लेना था, लेकिन दुर्लभ कश्यप के मौत के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका मौत इसलिए हुआ क्योंकि शाहनवाज खान को अपना जेल वाला बदला लेना था। क्योंकि जेल में बताया जाता है कि दुर्लभ कश्यप ने शाहनवाज खान को पीट दिया था, जिस वजह से शाहनवाज खान ने तभी ठान लिया था कि मुझे बदला तो लेना है। चलो इन सब बातों को हम बगल में रखते हैं। दरअसल बता दूं कि पुलिस राजपूत भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी फेमस हुआ और यदि बात करें दुर्लभ कश्यप के बारे में तो दुर्लभ कश्यप भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी हाईलाइट हुआ। तो दोनों का कहानी बिल्कुल मिलता जुलता है और दोनों की कहानी को मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप और पुलिस राजपूत जैसे गैंगस्टर को फॉलो करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि कहते हैं कि मुझे दुर्लभ कश्यप बनना है। देखो यार, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी गैंगस्टर की तरफ बनने के बारे में मत सोचो। देखो आज के समय में कोई भी गैंगस्टर नहीं रहा, चाहे आप दुर्लभ कश्यप के बारे में बात करो या फिर आप चाहे पुलिस राजपूत के बारे में बात करो। बताया जाता है कि पुलिस राजपूत जो कि आनंदपाल सिंह से काफ़ी प्रभावित था, पुलिस राजपूत का भी सपना था कि वो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की तरह हाईलाइट हो जाए, लोग उसको जानना शुरू कर दे, पुलिस वाले उससे डरना शुरू कर दे। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी अपराधी कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए लेकिन वो पुलिस प्रशासन से हमेशा कमजोर ही रहेगी, क्योंकि प्रशासन वो है जो कि हम लोगों का रक्षा करता है, प्रशासन वो है जो गैंगस्टरों को सबक सिखाता है। और यदि प्रशासन ही कमजोर पड़ जाए तो फिर तो गैंगस्टरों का मन बढ़ ही जाएगा। तो कभी भी कोई भी गैंगस्टर यदि ये सोचता है कि मैं किसी भी पुलिस वालों से मजबूत हूँ तो वो गलत सोच रहा है। पुलिस वालों से कभी भी कोई भी गैंगस्टर मजबूत नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कभी भी किसी भी कहानी को सुनकर के आप कोई भी गलत कदम मत उठाया करो, और मैं कभी भी आप लोगों को कहानी भड़काने के लिए नहीं सुनाता हूँ बल्कि आप लोगों को सावधान रहने के लिए सुनाता हूँ। तो कहानी बस इतना ही है कि पुलिस राजपूत का जिंदगी दबंगई से शुरू होता है और एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोनों का कहानी ऐसा है कि ये लोग काफी कम समय तक रहा, लेकिन बहुत कम समय में ये लोग काफी मशहूर भी हुआ। लेकिन देखो, इस तरह की मशहूरियत की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि जान ही नहीं बचे तो मशहूर होकर के क्या करोगे। जिंदगी अच्छे से जियो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी मन की राय अवश्य लिखना। आपका क्या कहना है पुलिस राजपूत और दुर्लभ कश्यप के बारे में ये भी कमेंट में अवश्य बताना। नमस्कार, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो।